सॉयल इरोजन, हमने बात करी थी सॉयल इरोजन की। सॉयल इरोजन क्या होता है? सॉयल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर मतलब होराइजन ए, जिसको हम टॉप सॉयल भी कहते हैं, ये मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है, ये बह जाता है, इरोड हो जाता है, वॉश हो जाता है। मतलब सॉयल जो है, सॉयल का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो वॉश अवे हो जाता है, या तो पानी की वजह से या हवा की वजह से, या तो उसको हवा खींच के ले जाएगी टॉप मोस्ट सॉयल को, या फिर पानी बहा के ले जाएगा। सो इससे क्या होगा, जो सॉयल है वो कम फर्टाइल हो जाएगी। अब सॉयल जो है वो कम फर्टाइल हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिड्यूस होएगी तो हम क्या करेंगे, हमें ज्यादा खाना चाहिए लेकिन हमें कम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम और डिफॉरेस्टेशन करेंगे ताकि हम और एरिया एग्रीकल्चर के अंडर ला सके। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वही साइकिल दोबारा चल गया, जिस वजह से सॉइल इरोजन हुई है वही वजह हमने दोबारा से क्रिएट कर दी, डिफॉरेस्टेशन फिर से कर दी, तो हार्मफुल इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ गए। तो हमें क्या करना है, हमें सॉइल इरोजन को बचाना है कि हमारा जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है वो लूज नहीं होगा, तो हमें और पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, रादर हमें उसको ऐसा बनाना चाहिए सॉइल को कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए, है ना, ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉइल इरोजन को बचाना चाहिए। अब सॉइल इरोजन हो जाती है तो सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। अब ये जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर है ये वॉश अवे क्यों होता है, क्योंकि जो सबसे टॉप लेयर होता है वो बहुत ही लाइट होता है और वो आसानी से विंड से या वॉटर से कैरी हो जाता है। सो वॉट इज सॉइल इरोजन, यस वॉट इज सॉइल इरोजन समृद्ध, स्पीक आउट, अनम्यूट करके बोलो बेटे। द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज टेकन अवे बाय द वॉटर और कैरीड अवे विद द वॉटर और विंड। वेरी गुड अनिका, बट अनिका योर नेम इज नॉट समृद्ध। यस समृद्ध यू आंसर। मैम आई थॉट यू सेड माय नेम। नो प्रॉब्लम, समृद्ध बताओ बेटे, अपनी लैंग्वेज में बता दो जो आपको समझ आया है, हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, मुझे तो सिर्फ देखना है कि आपको समझ आया। मैम सॉइल इरोजन प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल वाटर से फ्लो हो जाती है। हाँ, वाटर से भी हो सकती है और विंड से भी हो सकती है। कि सॉइल इरोजन के क्या क्या फैक्टर्स है, कॉजेस क्या क्या है, कैसे सॉइल इरोजन होती है, तो सॉइल इरोजन जो है वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेनफॉल एंड फ्लडिंग। अगर किसी एरिया में फ्लड आ जाए या बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए, मतलब बहुत लंबे समय तक और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से, तो क्या होगा, जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर है वो उसके साथ बह जाएगा पानी के साथ। फ्लड आ गया कहीं पे, बाढ़ आ गई, तो उसके साथ भी सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बह जाएगा। सो इट रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। फोर मेन टाइप्स की सॉइल इरोजन होती है जिसकी डिटेल्स मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगी विद डायग्राम्स। अभी आप इनके नाम याद रखिए, रेल इरोजन, गली इरोजन, शीट इरोजन एंड स्प्लैश इरोजन। ठीक है, ये चार तरह की इरोजन होती है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अपीयरेंस के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। अब जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट से गिर रहे हैं सॉइल सर्फेस पे, तो वो बेसिकली सॉइल पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर लेते हैं, अपने साथ बहा के ले जाते हैं, सो उससे सॉइल इरोजन हो जाती है। देन अदर नेक्स्ट कॉजेस, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब नदियां जो बह रही हैं, झरने जो बह रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो वैली इरोजन करते हैं। ठीक है, वैली इरोजन में एक वैली बन जाती है, बीच में से सॉइल को निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि उनका बहाव ऐसा होता है कि वो अपने बहाव के साथ वैली इरोजन कॉज कर देते हैं, टॉप मोस्ट लेयर को निकाल के ले जाते हैं, तो वी शेप्ड एक डिफेक्ट बन जाता है।
वी शेप्ड इरोजिव एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। और जब रिवर्स और स्ट्रीम्स ये बिल्कुल सॉयल के डिपॉजिट से भर जाती है, तो सेडिमेंटेशन की वजह से वैली का लेवल जो है वो सरफेस के साथ बढ़ जाता है, ओके। और वो जो सॉयल है वो बेसिकली बैंक्स पे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। देन इसको बोलते हैं लेटरल इरोजन, जो वैली के फ्लोर को बढ़ाने में हेल्प करती है, ओके। नेक्स्ट कॉज इज हाई विंड्स, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, उससे भी सॉयल इरोजन होती है, जैसे कि एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। सेमी एरिड और एरिड एरियाज को ASAL शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एरिड का मतलब होता है जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, और सेमी एरिड का मतलब होता है जहां पर थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। तो जो विंड है वो क्या करेगी, वो डेजर्ट एरियाज होंगे यूजुअली, तो वहां पर वो सॉयल पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के ले जाती है और दूर दूर तक ले जाती है, और इस तरीके से क्या होता है, सॉयल जो है वो डेन्यूड हो जाती है। डेन्यूड मतलब वो बैरन हो जाती है, उसके बाद जो टॉप मोस्ट लेयर है वो लूज हो जाता है, तो वहां पर फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। सो विंड इरोजन जो है वो एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉयल डिग्रेडेशन का, सॉयल की क्वालिटी का लेवल, जो सॉयल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अपग्रेड होता है कि ग्रेड का बढ़ना, डिग्रेड होता है ग्रेड का गिरना, तो क्वालिटी जो है गिर रही है सॉइल की, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी लूज हो रही है। सो सॉइल डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि बेसिकली वहां पे फर्टिलिटी लूज हो गई है, और विंड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इरोजन कॉज कर रही है। सो दिस इज द रीजन व्हाई सॉइल डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन अकर्स। देन ओवरग्रेजिंग, अगर आप एनिमल्स को ओवरग्रेज कराओगे तो उससे भी फर्टिलिटी लूज हो जाती है। ओवरस्टॉकिंग, टिलेज प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की जिनकी वजह से हमारा टॉप मोस्ट जो लेयर है सॉइल का वो पानी के साथ बह जाता है। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है, ओके। अब इकोसिस्टम्स में हम क्या कर रहे हैं, हम पास्चर लैंड्स में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारी नेचुरल घास वगैरह हुई है वहां पे हम जाके एनिमल्स छोड़ देते हैं, वो खाते रहते हैं, और ऐसे क्या होता है वो रीग्रो होने का टाइम नहीं मिलता उसको, तो अल्टीमेटली उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है और वो बैरन हो जाती है लैंड, ठीक है। उसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है और टॉप मोस्ट सॉइल का जो लेयर है वो लूज हो जाता है। ओवरस्टॉकिंग, ओवरग्रेजिंग हैज लेड टू रिड्यूस्ड कवर एंड ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो सॉइल पार्टिकल्स को तोड़ देती है और बेसिकली सॉइल का जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड कवर है, उसको रिमूव कर देती है और वो इरोजन के लिए ससेप्टिबल हो जाता है, आराम से इरोजन हो पाती है वहां पे विंड और वाटर से। इससे क्वालिटी भी गिर जाती है सॉइल की और हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है, ओके। अब एग्रीकल्चर टिलेज, मतलब आप कैसे प्लॉ कर रहे हो एरिया को, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हैं फार्मर्स सॉइल पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, और उस मशीनरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल्स का साइज क्या है। अब वो पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करेगा कि वो पानी के साथ कैसे बह जाएंगे, ओके। सो बेसिकली अगर हम ऊपर नीचे ऐसे करके टिलिंग कर रहे हैं तो इससे पानी के साथ इजिली बह जाती है सॉइल, यहाँ से आराम से निकल सकती है सॉइल पानी के साथ, तो इससे सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, तेज हो जाता है। देन डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस्ड वेजिटेशन कवर एंड अर्बनाइजेशन। डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। रिड्यूस्ड वेजिटेशन कवर, अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, प्लांट्स को काट रहे हो, तो वेजिटेशन कवर नेचुरली कम हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब आप शहरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं फॉरेस्ट को काट के, तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है, और ये सब कुछ हमें लिमिट्स में करना चाहिए, अदरवाइज हमारे जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है ऑफ द नेचर। देन वी कम टू मास मूवमेंट्स एंड सॉइल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन। मास मूवमेंट का मतलब है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि
लोग जो है वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे बहुत बहुत ह्यूज नंबर्स में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहां जहां पर जाते हैं सेटल होने के लिए वो उस एरिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉइल का स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। अब सेडिमेंट्स जो बन रहे हैं, जो सॉइल के सेडिमेंट्स बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं सेडिमेंट्स की और रॉक्स की स्लांटिंग स्लोप सर्फेसिस पे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे इरोजन प्रोसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींचती है ना हर चीज को, तो सॉइल इरोजन हो जाती है। ऊपर से रिवर आ रही है, वो अपने साथ मिट्टी लेके आ रही है, और वो मिट्टी जो है वो लेटरल इरोजन कर रही है। अब वो लेटरल इरोजन कैसे कर रही है, वो अपने सेडिमेंट्स या साइड्स पे बैंक की तरफ डिपॉजिट करती जा रही है, जिसकी वजह से ये सारा ही एरिया जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से पुल हो जाएगा, तो ये सारा लेयर जो है वो नीचे चला जाएगा। बेटा आई विल टेक अप डाउट्स इन द लास्ट 5 मिनट्स। ओके, सो इससे क्या होता है कि ये ज्यादा वनरेबल हो जाती है वॉटर और विंड इरोजन के लिए। अब सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल इरोजन कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्ले वाली सॉइल है तो वो सॉइल इरोजन जल्दी नहीं होगी, वो चिपचिपी होती है ना मिट्टी, जल्दी इरोड नहीं होगी। लेकिन अगर वो सैंड है तो वो जल्दी इरोड हो जाएगी, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन कम करती है। गॉट इट? सो सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सॉइल इरोजन होगी उस पर या नहीं होगी, या कितने लेवल तक होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।